आखिर यूएस एफडी रेट क्या है और इससे स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। जहां यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री होने की वजह से वहां के इन्वेस्टर्स को लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देती है, वहीं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से इन्वेस्टर्स को एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देता है। और कंपैरेटिवली यूएस बैंक्स के इंटरेस्ट रेट इंडियन बैंक से बहुत कम होते हैं, इसीलिए मोस्टली फॉरेन इन्वेस्टर्स यूएस बैंक से लो इंटरेस्ट रेट पर लोन लेते हैं और उसी लोन को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर हर साल 12% का रिटर्न कमाते हैं। बट रिसेंटली यूएस के एफईडी यानी कि फेडरल रिजर्व सिस्टम ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर्स अब मार्केट में अपने शेयर्स बेच रहे हैं। एफईडी रेट एक टारगेट इंटरेस्ट रेट होता है जिसके बेसिस पर यूएस बैंक्स अपने एक्सेसिव फंड्स में से कुछ अमाउंट बोरो या फिर लेंड कर सकती है। इस रेट के बढ़ने से यूएस ट्रेजरी के रिटर्न्स बढ़ जाते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स को यूएसए में इन्वेस्ट करने का एक गोल्डन चांस मिलता है और इसी चांस के लिए वो इंडियन स्टॉक मार्केट में से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, जिससे कि मार्केट टेंपरेरी क्रैश हो रहा है।